गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता में युक्त शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। युक्त यानी कि जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। जो आत्मा रोज़ परमात्मा से जुड़ती है, जो अपने आप को परमात्मा से जोड़ना सीख लेता है, उस व्यक्ति को परमात्मा के खजाने की प्राप्ति होती है। परमात्मा के खजाने से वह शांति को, वह ज्ञान को, पवित्रता को, आनंद को, शक्ति को धारण करता है। तो रोज़ हम परमात्मा की शक्ति को धारण कर सकें, इसके लिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है। गीता कहती है, जो अयुक्त है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, वो भस्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जो जुड़ा हुआ है, उसी की रक्षा होगी। तो हमें अपने आप को रोज़ परमात्मा से जुड़ना है, रोज़ उस ब्रह्म अग्नि में अपने आप को जागृत करना है। जो जानने योग्य है, उस तत्व को जानने की हमें इच्छा प्रकट करनी चाहिए, उसकी तरफ चलना चाहिए। दुनिया की चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, दुनिया की नॉलेज लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ये जो सारी सूचनाएं हैं जो बाहर संसार में हैं, ये सारी सूचनाएं हम अपने मन में तो भर लेते हैं और उसे सोचते हैं कि ये ज्ञान है, परंतु ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह होता है जो तत्व ज्ञान होता है, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी जानना बचता नहीं। भीतर से जो अज्ञानता की पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है और मनुष्य जो है आनंद से भर जाता है। जब कोई व्यक्ति अभिमान से भरता है, बाहर की सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को, वो सोच लेता है कि यही असली ज्ञान है, तो वहीं पर वह फेल होने लगता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दम्भ आता है। तो हमें अपने आप को विनम्रता से भरना सीखना पड़ेगा। ये जो विनम्रता है, ये आती है जब हम सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में जुड़ते हैं, गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं, जैसा गुरु बताते हैं वैसा जीवन अपनाते हैं, वैसी जीवन शैली हमारी हो जाती है। फिर व्यक्ति तत्व ज्ञान की तरफ चलता है, यानी कि वो ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ऐसे ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए।